जाग जाग के मेहनत आया कीतियां। ओ बाबू, हाँ अब पता क्या कह रही थी तू मुझे? तूने मुझे फिल्म में देखा है? ओए रोहित, ये बाबू कह रही है इसने मुझे फिल्म में देखा है। यहाँ से एंटर करते हैं अंदर और ये सारा मंदिर है प्राचीन श्याम कुंड, नीचे एक श्याम कुंड। कौन सा वाला? ये वाला, ये। सो गाइस, चूरमा ले लिया है, प्रसाद ले लिया और पहुँच के बाबा के दरबार पर। सो भाई, दर्शन करके आ चुके हैं बाबा के और जल भी मिल गया और प्रसाद भी चढ़ा दिया जैसे भी। और बाबा भाई लोगों, दोबारा दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। सो गाइस, अभी आए श्याम कुंड जिसमें हम सुबह नहा करके गए थे इन चारों को लेकर। देखो तो पानी देखो कितना भर चुका है, हार्ड विषय में पानी बिल्कुल आधे आधे पैर तक भर चुका है। सो गाइस, तोरण द्वार से आ चुके हैं, कम से कम लगभग एक घंटा हो गया। फोटो वोटो खिंचवाए अपने, इन्हें टीका लगवाया दो इसका, जय श्री श्याम। हाँ तो अभी जल कुंड जा रहे हैं, जल वल भरेंगे और वहाँ से भी आएंगे, दिखाते हैं आपको। बने रहना पूरे ब्लॉग में, रेंट जरूर देखना आप। सो गाइस, ये है सारी मार्केट जल कुंड के बाहर की, प्राचीन श्री श्याम कुंड ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जय श्री श्याम। यहाँ से एंटर करते हैं अंदर और ये सारा मंदिर है प्राचीन श्याम कुंड, नीचे एक श्याम कुंड। कौन सा वाला? ये वाला, ये स्टेबिलिटी के लिए है, मतलब इससे वीडियो हेल्थी नहीं है, यहाँ पे साइड करके इसमें। हाँ, और ये इसमें क्या है, ये फोटो खींचने के लिए, खड़ा करके नीचे खड़ा करके फोटो खींचने के लिए। So guys, अब जा रहे हैं नीचे श्याम कुंड में। ये रहा श्याम कुंड, सॉरी जल कुंड, जल कुंड। So guys, जल भर के ला चुके हैं जल कुंड से, है ना, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा के, श्री श्याम दर्शन। ओ भाई साहब, मेरे बाबा का दर्शन मिल गए, बाबा श्याम के दर्शन करके आ चुके हैं। और बाकी यहाँ देखो, भगवान जी की तस्वीरें छपी हुई हैं। सो गाइस, अभी मार्केट में घूम रहा, मार्केट घूमते घूमते थोड़ा बहुत सामान लिया सब भाई लोगों ने, थोड़ा बहुत ही लिया, थोड़ा बहुत। इसने ये बांसुरी ली है, बांसुरी बजाएगा ये घर पे अपने सीखेगा। जय श्री श्याम। गाइस, मार्केट में बड़ी भीड़ बढ़ चुकी है क्योंकि बाबा का मंदिर तो खुल गया इस टाइम। गाइस, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से मंदिर तो खुल गया क्योंकि बहुत जा रहे हैं श्रद्धालु जा रहे हैं। और हम भी अभी थोड़ा बहुत मार्केट घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं भाई बहनों के लिए। भाई रोकियो रोकियो रोकियो, पूछ रहे उनसे भाई कहाँ से ली। कुछ नहीं, बस ऐसी ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पर। सो गाइस, अभी ये टी शर्ट लिया महाकाल वाली, हाँ रख दो रख दो। सो गाइस, अपनी टी शर्ट ले ली है, ये बहुत टाइम सोच रखी थी लेने की और फाइनली आज मिल गई है। हमारे उधर तो मिली नहीं थी कभी और यहाँ मैं देखी तो मैं ले ली। बोलो श्याम प्यारे की जय। भैया यहाँ चौरे में बैठे हैं और चारों पाँच हो जाए, छः जने नारे लगा रहे हैं और कुछ ना, पानी भर लो भाई और कुछ पानी नारे लगा रहे हैं। हाँ थके भैया, घूमते घूमते हमारे बैठे। हाँ भाई, मेरी प्यास लगी, थकान है, रुशित भाई अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए क्योंकि उनका बर्थडे है। तो वो कह रहे हैं भाई, तो नए कपड़े पहन के जाएंगे, नए कपड़े लेकर आया वो भाई, ब्रांड न्यू कपड़े लेकर आया रुशित। मैं कहा ठीक है, हम तो इन्हीं कपड़े में जाएंगे, इन्हीं वस्त्रों में जाएंगे, सब नए धोए लग सकता। ओ भाई साहब, ये देखो रिशित भाई के कपड़े, लोअर टी शर्ट। हेलो बाबू। हेलो भाई, सुबह से एकदम मक्खन मौसम हो रहा, मक्खन जिसे कहते हैं ना, बाबा ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, धूप नहीं हुई ना गर्मी लगी बिल्कुल भी, और एक नंबर मौसम सुबह से शाम तक।
बढ़िया तरीके जाएंगे भाई, बड़े तरीके से आए, बड़े तरीके जाएंगे, बाबा की कृपा पूरी पूरी। दया कमल ठाकुर ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को, बाबा श्याम जी को समझ में। सो गाइस, चूरमा ले लिया है, प्रसाद ले लिया और पहुंच के बाबा के दरबार पर, अंदर जाने के लिए दोबारा भीड़ तो नहीं है इतनी। हाँ चलो जल्दी चल निकल जाएंगे। सभी ने चूरमा ले लिया है और इसने भाई ने पेड़ लिया है, ये पेड़ इसके। भीड़ देख रहे हो भैया, बढ़ते जा रही है भीड़। सो गाइस, जल लेने के लिए हम सबसे इधर वाली रूम में चले हैं, सारी खाली पड़ी है और उस वाली में भीड़ भाड़ बहुत है। हाँ दूसरी बार दोबारा आएंगे ना तो उस वाली रूम में चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मंदिर वहाँ से पास पड़ता है, मतलब बाबा जहाँ बैठे हैं वहाँ से पास पड़ते हैं। यहाँ जल के लिए आए हम और हम सारे पीछे हो चल रहे सारे। और गाइस जहाँ मंदिर बढ़ा हुए सारी दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद प्रसाद देते हैं, मतलब इधर मंदिर है, बाबा बैठे हैं, इधर सारे लोग हैं और इधर सारे पेड़ वेड़ की दुकान है। गाइस ये सारे लोग उधर जा रहे हैं ना, बाबा बैठे हैं उधर और हम जा रहे हैं इधर जल के लिए। श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सो भाई दर्शन करके आ चुके हैं बाबा के और जल भी मिल गया और प्रसाद भी चढ़ा दिया जैसे भी, और बाबा के दर्शन मिल गए, बहुत बड़े दर्शन हो गए बाबा के। अंदर वीडियो अलाउड नहीं, जिससे वीडियो नहीं बनाई। जय श्री श्याम। लाइट ज़्यादा आ रही है इस स्क्रीन की, बाबा की फोटो छपी है इस पर, कह रहे हैं हार्दिक स्वागत करता है आपका श्री श्याम मंदिर। भाई लोगों दोबारा दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के, पहले उधर से गए थे सबसे उधर से, अब इधर से जा रहे हैं। जय, अभी हमारे पास टाइम बहुत है तो इस हमारे दोबारा दर्शन कर लेते हैं। एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार। जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय, बोल लखदा तार की जय। गाइस बारिश बहुत तगड़ी चालू हो चुकी है इस टाइम पर और यहाँ तक छतरी है, इसके बाद से बारिश ही बारिश पड़ेगी हमारे ऊपर भी। वो बारिश आ रही है, देखो पानी गीला कितना हो रहा, देख लो जल्दी चलो भाई, पानी आ रहा, पानी। बाबा तेरी जय जयकार। गाइस पहले हम वहाँ से आए थे, मेरे सामने मंदिर। सो गाइस अभी आए श्याम कुंड, जिसमें हम सुबह नहा करके गए थे इन चारों को लेकर दिखाने के लिए श्याम कुंड। सो गाइस दोबारा नीचे जा रहे हैं, वो तो वो सारे दोस्त चले गए। हाँ भाई, सो गाइस अब जा रहे हैं चौथी बार दर्शन करने। वाह वाह, मजा आ रहा है ना। हाँ भाई जा रहे हैं हम भाई, टाइम है अब, ये बंदा कह रहा है एक बार करूँगा, एक बार करूँगा, चल यार एक बार कर लेते हैं, एक बार कर लो, दो बार अभी उधर कर ले और एक बार अब हो गया, चार बार हो गया। बाबा तेरी जय जयकार। सो गाइस अब जाएंगे सीढ़ियों से चढ़कर, हम आए थे यहाँ से निकल कर और जा रहे हैं यहाँ से एक बार चढ़कर, अब यहाँ से अंदर गए थे हम। सो गाइस अभी आए थे हम होटल में वापस से अपने चेकआउट करके, मतलब कर लिया था वैसे तो, बैग लेने के लिए, बैग लेने के लिए। अब चल रहे हैं जल्दी, हड्डी जरा बारिश पड़ रही बहुत तेज, हड्डी क्या टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, उन्हें साथ हो गए और मैं निकलना भी रिंगस के लिए और बारिश बहुत तेज हो रही है। रोहित इधर साइड में खड़ा। तो गाइस अभी बैठे हैं रसोई पर खाना वाना खाने के लिए और सारे लोग भीग चुके हैं, भीग चुके हैं, देखो पानी देखो कितना भर चुका है, हार्ड विषम में पानी बिल्कुल आधे आधे पैर तक भर चुका है। हम खुद इस बारिश में भाग के आए थे, पावर बैंक लगा हुआ, चार्जर ऑफ फोन और अपन फुल भीग चुके हैं। वो तो इधर बैठा भीग गया भाई, हाँ भाई सर्दी होगी आज पक्की बात है। नहीं भाई मुझे नहीं होती, देख तुषार पे कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है। सो गाइस अभी हम रिंगवे स्टेशन पर और देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी हम रिंगवे स्टेशन पहुँचे और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और लगभग हम लोग सारे भीग चुके हैं और हमारे सारे कपड़े भीगे हो चुके हैं। भाई लोग कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं और 5 मिनट रेट ट्रेन आने वाले।
हाँ भाई, तो अभी ट्रेन आएगी उसके बाद बाकी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ठंड लगेगी सभी को और सर्दी भी नहीं लगेगी। कब कब आ रहे एकदम बिल्कुल तुम? ये खड़े अपने सारे भाई लोग कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े पैक हो गए, बस मुश्किल 3 से 4 मिनट लग गया, ट्रेन आने वाली है। सो गाइस, ये अपनी ट्रेन 1, 2 और 3, नीचे वाले 3 सीटें हैं, 2-4 भाई ऊपर लेटे हैं और बाकी 3 भाई इधर ऊपर बैठे हैं, एक ये और बैठा हुआ, ठीक है। तो सफ़र सो रहे हैं और मजा कर रहे हैं। सो गाइस, सोते हैं अब नीचे, यहाँ सुबह मिलेंगे आपसे, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। सो गाइस, अभी आधे घंटे करीब रास्ता रह गया है और अभी ये जो दया बस्ती जो भी है लगा आधे घंटे का, अब अपना उतरेंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से निकलेंगे। अभी साइन करके बैठे ट्रेन से मतलब आधे घंटे का रास्ता, कहीं सो जाओ। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सो गाइस, ये है दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन, जिससे हम परसों गए थे, लेकिन यहाँ पर स्टॉप नहीं है भाई। यहाँ चलो भाई, चलते हैं भाई। चलो आ गया हमारा स्टॉप, आ गया। सो गाइस, दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं अभी और सुबह का भी 6:03 हो रहे हैं, सही टाइम पर पहुँचे एकदम। और अब यहाँ से वगैरह ऑटो वगैरह बस वगैरह लेंगे और पहुँचेंगे अपने मौसपुर क्षेत्र में। एक बड़े सारे दस लोग और गाइस, ये ट्रिप ही याद रहेगी बार सारे दोस्तों को, लोगों के साथ लास्ट ट्रिप हमारी डियर पार्क की थी और उस समय हम सारे दोस्त नहीं थे, मतलब एक दो मिसिंग थे, लेकिन इस समय हम सारे दोस्त लगे, मजा आ गया याद। और भाई, ये बंदा 17 का गया था, 18 को गा रहा, क्या करना चाहोगे इस भाई? 1 साल बाद आ रहा, काफ़ी एडल्ट चीज़ें करके आया है। 1 साल बाद आ रहा हूँ। सो गाइज, मैं हूँ अभी अपनी शॉप पर और सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए हैं और मैं भी अपने घर पर आ गया। मेन वीडियो तो सारी यही थी कि रिशद भाई का बर्थडे था तो इसलिए जा रहा था। रिशद भाई 70 साल के होकर गए थे और 1 साल प्लस मतलब कि 18 साल के हो गए हैं। अब ब्लॉग की सारी सीरीज देखना, कम से कम 3 से या 4 पार्ट आएंगे, जैसे भी आएंगे आपको पता तो चल ही गया होगा कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है। बाकी आपको कैसे लगी ये सारी सीरीज़ देख कर खाटू श्याम की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग आपको। मिलेंगे दिल्ली में एक वीडियो में। रोम रोम जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।